हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन पर। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से संबंधित वीडियो है जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो चालू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का जो पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हुआ था, उसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। विद इन अ 5 to 6 days लगभग 300+ कॉपीज उसकी ऑन सेल हो चुकी है। कंटेंट से रिलेटेड आप में से बहुत लोग के रिटर्न मैसेज आए, जिसमें आपने कंटेंट को काफ़ी सराहा और अप्रिशिएट भी किया, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो अब बीच में से वो रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन हटा दिया गया है। आप डायरेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज करके अपना नाम और ईमेल आईडी शेयर करके अपने ईमेल आईडी पे विद इन अ 2 to 3 minutes आप पीडीएफ को डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ सीजीपीएससी ई पाठशाला का टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। 1 सितंबर से लेकर के आपका 15 अक्टूबर तक इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। 20 अक्टूबर से आपका सीजीपीएससी ई पाठशाला का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, कौन कौन से उसमें पेपर रहेंगे, उससे रिलेटेड जानकारी स्लाइड में शो होगी। हर एक प्रश्न पत्र में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संस्थागत वित्त एवं विनियोजन पर। देखिए, कुछ योजनाओं को मैंने टेबुलेशन फॉर्म में बना करके रखा है। इस टेबल के ऊपर लिख लीजिएगा संस्थागत वित्त एवं विनियोजन करके। ठीक, स्पेस कम होने के कारण मैं इसे नहीं लिख पाया। ठीक, देखिए योजना है, योजना कब प्रारंभ हुई, पात्रता, प्रावधान, कवर और इसकी वर्तमान में स्थिति है, छत्तीसगढ़ में स्थिति। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, एक्चुअली में हम ये आज जितनी भी योजनाएँ पढ़ने वाले हैं, ये योजनाएँ प्रारंभ हुई थी आपकी 2014-15 को, लेकिन ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं हमारे अखिल भारतीय स्तर पर एक सामाजिक तथा जन सुरक्षा के मामले में एक नई क्रांति लाई। ये ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कंटिन्यूशन आपका एक अपडेट आते रहता है। ये योजनाएं आज भी करंट इश्यू में रहती है और ये ऐसी योजनाएं हैं जिससे आपके साल भर होने वाले किसी न किसी एग्जाम में एक न एक प्रश्न इससे रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो ये जितनी भी योजनाएं बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में, वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये आपके हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई थी। ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये ग्रामीण परिवार को लक्षित करते हुए, ग्रामीण परिवार को लक्षित रखते हुए तथा प्रति परिवार कम से कम एक बचत बैंक खाता खोले जाने के उद्देश्य से आपका यह प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को। अखिल भारतीय स्तर पर यह लागू हुआ आपका 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014, देखिए घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को यह अखिल भारतीय स्तर पर लागू हुआ प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें पात्रता क्या है, इसमें अकाउंट ओपनिंग की, समझिएगा, 10 वर्ष से अधिक, देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, 10 year+, यानी 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का, 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अपना एक बचत बैंक खाता खोल सकता है। 10 वर्ष से अधिक, देखिए 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, यानी इस बीच में आपके अवयस्क कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, तो जो अवयस्क है यानी 10 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के लोग, वो अपने माता पिता के निगरानी पर इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अपना एक बचत बैंक खाता खोल सकते हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 10 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अपना एक बचत बैंक खाता खोल सकता है। नेक्स्ट है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग। देखिए, जैसे कि मैंने आपको उद्देश्य में बताया, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आपके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लक्षित रखते हुए प्रति परिवार कम से कम एक बचत बैंक खाता खोले जाने के उद्देश्य से यह योजना लाया गया। जो ग्रामीण क्षेत्र के में रहने वाले जो लोग हैं, वो आपका बैंक में अकाउंट नहीं खोलते थे, उसका एक कारण था, जो हमारे वर्तमान में जो आपके कमर्शियल बैंक मौजूद है उसमें अकाउंट ओपन करने के लिए पहले अकाउंट ओपन करने के लिए कम से कम आपका स्टार्टिंग डिपॉजिट जमा करना पड़ता था, एक फिक्स अमाउंट जमा करना पड़ता था अपना एक अकाउंट या खाता खोलने के लिए। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये की एक राशि निर्धारित की गई थी
उतना राशि जमा करने के बाद ही आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते थे। तो इस स्टार्टिंग अमाउंट के कारण ही लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो बैंकों में पैसा जमा नहीं करते थे या अपना खाता नहीं खुलवाते थे। तो इस कारण से यह प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया जिसमें यह फैसिलिटी रखी गई कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, यानी आप अपना खाता खोलिए, आपको किसी प्रकार का स्टार्टिंग कोई अमाउंट जमा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ लोगों को आकर्षित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत कुछ लाभ भी खाताधारक को प्रदान किया गया ताकि लोग आकर के अपना अकाउंट खोले, इसके लिए कुछ फैसिलिटी भी इस योजना के अंतर्गत लाई गई। खाताधारक बीमा कवर, यानी इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो भी अपना अकाउंट ओपन करेगा उसे आपकी कुछ आपका एक प्रकार का बीमा कवर, एक लाभ प्रदान किया जा रहा है। देखिए, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दुर्घटना बीमा, बाय चांस अगर जो आपका खाता धारक है उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 1,00,000 रुपए की राशि दी जाएगी। जीवन बीमा कवर के अंतर्गत 30,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये एक प्रकार का आपका ऋण है, एक प्रकार का लोन है। अगर जो खाता धारक है वो 6 महीने तक अपने बैंक के साथ एक संतोषजनक लेन देन की प्रक्रिया पूर्ण करता है, ठीक, यानी पर्टिकुलर 6 महीने तक वो बैंक में रेगुलर आपका पैसा जमा कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, यानी कंटिन्यूटी में बना हुआ है बैंक के साथ, तो 6 महीने तक संतोषजनक लेन देन करने की स्थिति में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रदान की जाएगी खाता धारक को। यानी वो 10,000 रुपए तक का एक प्रकार का लोन है, 10,000 रुपए तक का वो एक प्रकार का लोन बैंक से ले सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का बैंक के साथ लेन देन बना के रखा है, उस हिसाब से उसे 2,000, 3,000, 5,000, 8,000 या मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया गया है इस योजना के अंतर्गत। ठीक, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में इसकी वर्तमान स्थिति। देखिए, इससे रिलेटेड अपडेट आ चुका है, अभी उसको हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के वीडियो में कवर करेंगे। जुलाई 2019 तक की स्थिति में एक अपडेशन आया हुआ है, उसे हम करंट अफेयर में कवर करेंगे, लेकिन जो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े दिए गए हैं उसे पहले देख लीजिए। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा और आपको आंकड़े जो पूछे गए हैं प्रश्न में उसके उत्तर किस प्रकार देना है उसको समझिएगा। देखिए, ये जो हम पढ़ने वाले हैं स्थिति क्या है, ये इससे आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। एक्चुअली प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आपका अगस्त 2016 तक की स्थिति में कुल कितने खाता धारक मौजूद थे, सीजीपीएससी प्री 2017 के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, सेम प्रश्न, ठीक। तो इसलिए ये आंकड़ा हमारा इंपॉर्टेंट है। तो समझिएगा कि जो हम स्थिति पढ़ने वाले हैं ये स्थिति है आपका अगस्त 2018 तक की स्थिति में, ठीक। तो अगस्त 2018 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में आपके इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 1.33 करोड़ यानी 1,33,00,000 खाता धारक मौजूद थे। यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत इसमें आपके 1,33,00,000 खाते खोले गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, न्यू अपडेशन आ चुका है। प्रश्न यदि पूछता है कि अगस्त 2018 तक की स्थिति में कितने खाते खोले गए तो वो है आपका 1.33 करोड़, और अभी आपका जुलाई 2019 तक के आंकड़े आ चुके हैं जिसे हम अभी कुछ दिन बाद हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का वीडियो आएगा, वीकली करंट अफेयर वीडियो, उसमें हम कवर करेंगे, ठीक। देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ये जो तीनों योजनाएं हैं इसे संयुक्त रूप से कहा जाता है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना। संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों योजनाओं को संयुक्त रूप से कहा जाता है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना। ये तीनों की तीनों योजनाएं एक ही डेट में प्रारंभ किया गया था, 9 मई 2015 को ये तीनों योजनाएं प्रारंभ की गई थी प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के नाम से। तो देखिए, पहले नंबर पर है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 9 मई 2015 को यह योजना प्रारंभ किया गया था। देखिए, इसके अंतर्गत पात्रता कौन होंगे, ठीक, इसके अंतर्गत 18 से 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति 18 से 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए
पात्र होगा। इसके अंतर्गत प्रीमियम फैसिलिटी रखी गई है, जो आपके बीमा कवर पाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको आपके बैंक अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। ठीक, समझिएगा। देखिए, इसके अंतर्गत इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम लिया जाएगा। इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठा सकता है। उसे इस योजना के अंतर्गत 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम राशि जमा करना पड़ेगा। ये एक्चुअली में जो राशि है, ये आपका ईयरली बेसिस पर रिन्यू होगा। मतलब आपको पर्टिकुलर अपने बैंक अकाउंट से इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लिंक करना पड़ेगा। एक जो आपके डेट इसका एक साल पूरा होने पर ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से 330 रुपए डेबिट हो जाएगा, यानी ये ईयरली बेसिस पर रिन्यू होगा। ठीक, जो भी व्यक्ति इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेगा या इसमें प्रीमियम राशि जमा करेगा, उसे बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। बीमा कवर इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जो आपका हितग्राही है, ठीक, जो आपका ये बीमा धारक है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, उसकी यदि दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती, वो मर जाता है, तो उस कंडीशन में इस योजना के अंतर्गत उसे 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी उसके नॉमिनी को। इस योजना के अंतर्गत यदि जो बीमा धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक, इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत आपके अगस्त 2018 तक की स्थिति में प्रदेश में लगभग 10.78 लाख लाभार्थी मौजूद है। ठीक, यानी आपका 10,78,000 लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, ये जो प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके सिंगल वन लाइनर प्रश्न भी बन सकते हैं। ठीक, आपसे इसका डेट पूछ देगा या इसमें कितना बीमा कवर प्रदान किया जाता है, ऐसे टाइप के प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें देखिए, जैसे आपके जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, CGPSC प्री भी पूछ चुका है, व्यापम भी पूछ चुका है। उसमें क्या करता है, इसमें दे देगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से कौन सा कथन असत्य है। ठीक, उसमें दे देता है कि यह योजना 9 मई 2015 प्रारंभ हुई, इसमें 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। वार्षिक प्रीमियम राशि इसमें 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम राशि का उसमें भुगतान करना पड़ता है। जीवन बीमा कवर में जो मृत्यु होने की दशा में 2 लाख रुपए का वार्षिक प्रीमियम इसमें प्रदान किया जाता है नॉमिनी को। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PSC जब आपके प्री में पूछा गया था तो उसमें 2 लाख की जगह 1 लाख कर दिया था और ये वाला कथन असत्य था। तो इस प्रकार के प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सभी लाइन को अच्छे से समझिएगा। ठीक, देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह योजना भी आपका 9 मई 2015 को लाया गया था। इसके अंतर्गत 18 से 70 वर्ष, देखिए यहाँ 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग है, इसमें 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक, कौन कौन है, देखिए वर्ष कहाँ से कहाँ तक का है इसको भी याद रखिएगा। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग हैं इसमें, 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोग हैं आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक, देखिए इस योजना के अंतर्गत, सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 12 रुपए की वार्षिक प्रीमियम राशि जमा की जाएगी। 12 रुपए की वार्षिक प्रीमियम राशि जमा की जाती है। इसमें भी आपको जो बैंक अकाउंट से अपना इस बीमा को लिंक करना पड़ेगा। आपके पर्टिकुलर जो आपका एक साल खत्म होने पर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली ये 12 रुपए की राशि डेबिट हो जाएगी। अगर किसी कंडीशन पे, ये दोनों योजना में किसी कंडीशन पे जो खाता धारक है, जो इस बीमा का लाभ उठा रहा है, यदि उसका जो आपका अकाउंट है उसके अकाउंट में यदि वो जीरो बैलेंस है, तो उस दशा पे ये जो आपका बीमा है, बीमा वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये जो बीमा है, देखिए रिन्यूअल की जरूरत पड़ती है, यदि यह रिन्यू नहीं हुआ तो पर्टिकुलर उसी डेट से ये बीमा समाप्त हो जाएगा। तो एक निर्धारित तिथि में ये अमाउंट अकाउंट में होना जरूरी है। ठीक,
तो देखिए, इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर मृत्यु और स्थायी विकलांगता की दृष्टि में, मृत्यु यदि दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश अगर जो आपका खाता धारक है या सॉरी या जो आपका बीमा धारक है उस बीमा धारक की यदि मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने की स्थिति में और स्थायी विकलांगता, देखिए विकलांगता दो प्रकार की होती है, स्थायी विकलांगता और अस्थायी विकलांगता। बाई चांस जो आपका इसमें बीमा धारक है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, उसका पैर को किसी कारणवश काटना पड़ जाता है, ठीक पैर काटना पड़ जाता है या वो पैर परमानेंटली डैमेज हो जाता है, वो पैर परमानेंटली किसी काम का नहीं रहा, उस कंडीशन को कहा जाता है स्थायी विकलांगता। अस्थायी विकलांगता मतलब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद पैर फ्रैक्चर हुआ, उस दुर्घटना के कारण जो पैर फ्रैक्चर हुआ वो पैर काम करेगा लेकिन उसे रिकवर होने में काफी समय लगेगा, ठीक पैर काम जरूर करेगा लेकिन रिकवर होने में समय लग रहा है तो वो होगा आपका अस्थायी विकलांगता, यानी कुछ समय के लिए वो व्यक्ति विकलांग है। स्थायी विकलांगता में वो परमानेंटली उसका पैर डैमेज हो गया, या तो पैर काटना पड़ा या तो पैर है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, ये होता है स्थायी विकलांगता और अस्थायी विकलांगता। मृत्यु होने की दशा में या स्थायी विकलांगता की दशा में इस आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2,00,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और अस्थायी विकलांगता की स्थिति में 1,00,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, ठीक। मृत्यु की दशा में नॉमिनी को मिलेगा और अस्थायी विकलांगता की दशा में जो बीमा धारक है उसे ही यह राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आपका अगस्त 2018 तक की स्थिति में 48.37 लाख लाभार्थी मौजूद है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, यानी छत्तीसगढ़ के आपके 48,37,000 लोग इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले चुके हैं या लाभार्थी मौजूद है, ठीक। देखिए अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना ये भी प्रारंभ हुआ था आपका 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना प्रारंभ हुआ। इस अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र होंगे आपके 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग। अब पहला प्रश्न तो ये उठता है, देखिए ये जो दो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है, लेकिन अटल पेंशन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक मतलब जैसे कि जो आपके एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी जब काम करता है तो उसके पेमेंट से, उसके कार्य अवधि के दौरान उसके पेमेंट से पर्टिकुलर एक अमाउंट एज अ पीएफ काट लिया जाता है, जो उसके रिटायरमेंट के बाद उसे मंथली बेसिस पे या एक साथ उसे उसकी पेंशन राशि प्रदान कर दी जाती है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के जो आपके कर्मचारी होते हैं, जैसे कुछ महिलाएं जो लोगों के घर जाके बर्तन मलती है, जो आपके प्यून होते हैं, जो आपके प्राइवेट कंपनी के बाहर जो आपकी चौकीदारी का काम करते हैं, कुछ मजदूर होते हैं, तो ये होते हैं आपके असंगठित क्षेत्र के आपके कर्मचारी। उन्हें क्या है, पेंशन फैसिलिटी प्रोवाइड, देखिए प्राइवेट काम है, प्राइवेट में आपके किसी प्रकार की पेंशन फैसिलिटी नहीं होती, तो ऐसे लोगों को, असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन देने की यह एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग तो पहली बार शामिल होंगे, एक निश्चित राशि इस योजना के अंतर्गत 20 वर्ष तक जमा करनी होगी। निश्चित राशि कितने समय तक, 20 वर्ष तक जमा करनी होगी। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक, देखिए इसमें क्या है, 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलना प्रारंभ होगा। जो भी इस योजना के अंतर्गत 20 वर्ष तक, इसे याद रखिएगा, मैक्सिमम 20 वर्ष तक अगर कोई एक निश्चित राशि जमा करता है, ये निश्चित राशि डिपेंड करता है, आपको आगे बताऊंगा, 60 वर्ष की आयु के बाद उसे पेंशन मिलना प्रारंभ होगा। पेंशन राशि है यहाँ पे 1,000 से लेके 5,000, ठीक 1,000 से लेके 5,000, इसमें 5 स्लैब है, 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, ऐसे 5 स्लैब बने हुए हैं। और ये पर्टिकुलर स्लैब ये डिपेंड करेगा कि आप कितना एक निश्चित राशि जमा कर रहे हैं। देखिए ये निश्चित राशि कितना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 1,000 रुपए के लिए पर्टिकुलर एक अमाउंट डिसाइड किया गया है, 2,000 रुपए के लिए एक अमाउंट डिसाइड किया गया, जो मंथली बेसिस पे आपको इन श्रमिकों को जमा करना पड़ेगा।
पड़ेगा। 60 साल के बाद उनके द्वारा जमा की गई राशि के आधार पर इस स्लैब में से कोई भी एक राशि उन्हें मंथली बेसिस में उन्हें प्रदान की जाएगी। तो ये है आपका अटल पेंशन योजना, जो कि असंगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए है। ठीक, देखिए इस योजना प्रदेश में आपका 1.47 लाख 1.47 लाख लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, कंटिन्यू इसमें अपडेट आते रहते हैं, इसे समझिएगा। ये सुकन्या समृद्धि योजना है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तौर पर, योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा देने के लिए इस सुकन्या समृद्धि योजना को लाया गया। बेटियाँ बोझ नहीं होती, बेटियाँ बोझ नहीं होती, इस उद्देश्य से इस योजना को लाया गया, सुकन्या समृद्धि योजना। 22 जनवरी 2015 को यह योजना लाया गया। ठीक, देखिए 22 जनवरी 2015 को यह योजना लाया गया। इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का एक खाता खोला जा सकता है, यह सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 10 वर्ष से कम, अधिक नहीं, समझना, 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं और मैक्सिमम दो बालिकाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। एक परिवार की मैक्सिमम दो बालिकाएं जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है वो इस सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकती है। अब ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, देखिए इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जैसे कि मैंने कहा बेटियां बोझ नहीं होती। बेटियों को बोझ क्यों समझा जाता है, एक तो उनके पढ़ाई लिखाई पर होने वाले खर्चों से डरा जाता है, या उसकी शादी की उम्र हो जाएगी तो उसके शादी में होने वाले खर्च से डरा जाता है। तो इसीलिए लाया गया ये सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें क्या किया जा रहा है, एक न्यूनतम जमा राशि आप अपनी बालिकाओं या बेटियों के नाम से जमा कर सकते हैं, जिसमें 250 रुपये सालाना, कम से कम 250 रुपये सालाना की राशि से यह योजना स्टार्ट होगी। पहले 1000 रुपये सालाना थी, लेकिन अब ये हो गई है 250 रुपये सालाना। देखिए ये जो भी आंकड़े मैं बता रहा हूँ ना, ये आंकड़े आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के ऑफिशियल आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में भी नहीं मिलेगा। उसमें बस कुछ डाटा दे दिया है, ना ही इसमें 250 रुपये दिया है, ना ही ये लिमिटेशन दिया है, ना ही ब्याज दर दिया है, बस सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक पार्ट है, बस ऐसा करके उसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को मैंने अपडेट किया है। ठीक, आपके बुक में भी इन चीज़ों को अपडेट किया है, आगे एक अपडेशन और है जो मैंने आपको PDF में जो अवेलेबल कराया है, वो एक अपडेशन है, उसे समझिएगा। देखिए 250 रुपये सालाना की न्यूनतम जमा राशि से यह प्रारंभ होगी। ठीक, देखिए इसमें लिमिटेशन क्या है, इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति अपनी बेटियों के नाम से इस सुकन्या समृद्धि योजना में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, जिसमें कम से कम 250 रुपये सालाना से ये आपका सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ स्टार्ट होगा, जो कि मैक्सिमम आपका 1.5 लाख रुपये सालाना, 1.5 लाख रुपये का सालाना राशि जमा कर सकते हैं। देखिए इसमें ये नहीं है कि पर्टिकुलर आपको हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करना है, हो सकता है इस साल आप 1 लाख रुपये जमा कर दिए, अगले साल 1.5 लाख रुपये जमा कर दिए, उसके अगले साल 50,000 जमा किए, उसके अगले साल 10,000 जमा किए, इसमें कोई अमाउंट डिसाइडेड नहीं है। आपके पास जितनी भी राशि, कोई भी व्यक्ति अपने जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से 250 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये हर साल, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपये। इसमें हर कोई व्यक्ति अपने बेटियों के लिए अपना इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत इसका लाभ उठा सकता है। ठीक, मिनिमम 250 रुपये से स्टार्ट है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये। देखिए डिपॉजिट कब तक करना है, पहली बात तो यही, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने से लाभ क्या होगा, इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो नॉर्मल एक बैंक अकाउंट होते हैं, उस नॉर्मल बैंक अकाउंट में कितना आपका परसेंटेज ब्याज मिलता है, वो मिलता है आपका 4%, लेकिन इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपको 8.1% वित्तीय वर्ष 2018-19 तक प्रदान किया जा रहा था। मैं जो अपडेशन की बात करता हूँ वो आपको यहाँ अपडेट करना है, जो लोगों ने PDF नोट्स लिया है वो भी अपडेट कीजिएगा कि इस योजना के अंतर्गत अभी वर्तमान में 8.2% का ब्याज दर आपका अब तिमाही आधार पर दिया जा रहा है, पहले वार्षिक आधार पर दिया जाता था, अब तिमाही आधार पर दिया जा रहा है। ये आंकड़े हैं आपके मार्च 2019 तक की स्थिति में,
मार्च 2019 तक की स्थिति में तिमाही आधार पर इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपका 8.2% का ब्याज दिया जा रहा है। ठीक, इसे अपडेट कर लीजिएगा। अब देखिए, इस योजना के अंतर्गत प्रावधान समझिएगा, लिमिट है 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक की राशि। डिपॉजिट कब तक करना है? 14 साल तक आपको इसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं या पैसा डिपॉजिट करना ही है। ठीक, मैक्सिमम 14 साल तक आपको इसमें पैसा जमा करना है। ठीक, मैच्योरिटी या परिपक्वता कब होगी? 21 साल बाद। देखिए, 14 साल तक तो आपको पैसा जमा करना है, उसके बाद आपको पैसा जमा करना बंद कर देना है। तो उसके बाद आपको कितना वेट करना है? अगले सात साल तक आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उस 7 साल की अवधि में अगले 8.2% या वर्तमान में जो भी उसकी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा उसके हिसाब से ब्याज कंपाउंडिंग होते रहेगा। ठीक, देखिए, 14 साल तक पैसा जमा करना है, उसके बाद नेक्स्ट 7 साल आपको इंतजार करना है, यानी 21 साल की अवधि में इसकी मैच्योरिटी पीरियड या परिपक्वता अवधि है। 21 साल बाद ही आप इससे पैसा निकाल सकते हैं, 21 साल या शादी होने की दशा में। हो सकता है लड़की की 19 वर्ष या 20 वर्ष की अवस्था में वो लड़की की शादी होने वाली है, तो शादी की दशा में पैसा निकाल सकते हैं, या फिर जो आपका अकाउंट जिस डेट से अकाउंट ओपन हुआ है उससे नेक्स्ट 21 साल बाद ही इसकी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है 50% विड्रॉल। जितना भी पैसा या जितना भी अमाउंट डिपॉजिट हो चुका है जिस भी अवधि में हो, लेकिन यदि लड़की की जो आयु है वो 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, तो 18 वर्ष पूर्ण होने की दशा में लड़की एजुकेशन पर्पस से यानी शिक्षा के लिए 50% का अमाउंट इससे विड्रॉ कर सकती है। ये एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट है जिसमें बीच में कभी भी पैसा नहीं निकाला जा सकता। ठीक, इसमें क्या है, 18 वर्ष की जब वो लड़की 18 वर्ष की हो जाएगी तब शिक्षा के पर्पस से 50% विड्रॉ कर सकती है, शादी होने की दशा में पूरा पैसा विड्रॉ कर सकती है, यदि शादी भी नहीं हो रहा शिक्षा के लिए भी पैसा नहीं निकाल रही है तो उस दशा में 21 साल बाद ही इसकी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होगी। ब्याज दर 8.2% मार्च 2019 तक की स्थिति में, इसको भी अपडेट कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मुद्रा योजना। ठीक, देखिए इसे समझिएगा, मुद्रा योजना जो कि प्रारंभ हुआ आपका 8 अप्रैल 2015 को यह मुद्रा योजना लाया गया। ये जो मुद्रा योजना है ये सूक्ष्म तथा लघु व्यवसाय तथा कुटीर उद्योगों को ऋण देने के उद्देश्य से यह मुद्रा योजना लाया गया। देखिए, ये मुद्रा योजना लाने का उद्देश्य क्या है, जो आपके उद्योग हैं उनका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक, यदि उनको लोन की ज़रूरत रहती है तो वो बैंक का क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं। क्यों फुलफिल करते हैं? क्योंकि उनका टर्नओवर ज़्यादा है तो बैंक की वो सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। छोटे उद्योग जो रहते हैं वो बैंक का किसी कारण से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते। इसके साथ साथ लोन लेने के लिए जो एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, ठीक, वो पर्टिकुलर अमाउंट भी काफ़ी हाई होता है। देखिए, जैसे अगर आप लोन सेंक्शन अगर कोई व्यक्ति करवाता है, अगर 5 लाख का लोन है तो उस लोन को लेने के लिए ही कम से कम 10 से 20 हज़ार का एक आपका अमाउंट पे करना पड़ता है लोन पास कराने के लिए। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं, जो बैंक के क्राइटेरिया होते हैं वो बड़े उद्योग तो फुलफिल कर लेते हैं क्योंकि उनका टर्नओवर मैक्सिमम है, लेकिन जो छोटे उद्योग है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते। तो इसके लिए लाया गया आपका मुद्रा योजना जो कि स्पेशली टारगेट किया गया था सूक्ष्म तथा लघु व्यवसाय तथा कुटीर उद्योगों को ऋण देने के उद्देश्य से। ठीक, देखिए, इस योजना के अंतर्गत तीन चरण में आपका लोन दिया जाएगा। ये जो प्रश्न है ये शिशु किशोर तरुण हर साल व्यापम या पीएससी में एक ना एक प्रश्न पूछता है कि तरुण ऋण योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, ऋण राशि प्रदान की जाती है, किशोर के अंतर्गत कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है, तरुण के अंतर्गत कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट समझिएगा। शिशु मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत ₹50,000 ऋण उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, किशोर ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तरुण ऋण योजना के अंतर्गत आपका 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शिशु किशोर तरुण कितना ऋण दिया जाता है हर साल, इससे प्रश्न आता है। देखिए, तो ये सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा सिंगल वन लाइनर प्रश्न भी बन सकते हैं और आपके कथन वाले प्रश्न ही पूछ सकते हैं, कथन या कूट वाले, जैसे कथन 1-2 सही है, 1-2-3 सही है, 2-3-4 सही है, ऐसे प्रश्न अक्सर आपको पीएससी में देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है ई शक्ति योजना। देखिए,
ई शक्ति योजना, ये प्रारंभ किया गया था आपका 15 मार्च 2015 से नाबार्ड के द्वारा आपका ई शक्ति योजना प्रारंभ किया गया। ये जो ई शक्ति योजना है ये आपके स्व सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन संबंधित है, डिजिटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन से संबंधित है। ठीक, स्व सहायता समूह जो डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं, जो अभिलेखों का संरक्षण करते हैं या जो ऋण का वितरण करते हैं, उन सभी का एक डिजिटल फॉर्मेट में उनको संरक्षित रख सके करके लाया गया था आपका ई शक्ति योजना जो कि स्व सहायता समूहों के डिजिटलाइजेशन से संबंधित है। प्रायोगिक तौर पर इसे छत्तीसगढ़ के केवल चार जिलों में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर लागू किया गया, जिसमें जो आपके चार जिले कौन कौन से है, एक है दुर्ग, दूसरा राजनांदगांव, बिलासपुर, महासमुंद। चारों जिले इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ई शक्ति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तीन के नाम देगा, एक का नाम दूसरा दे देगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ई शक्ति योजना जो कि स्व सहायता समूह की डिजिटाइजेशन से संबंधित है, इस योजना के अंतर्गत प्रायोगिक तौर पर छत्तीसगढ़ के चार जिलों को शामिल किया गया है, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और महासमुंद। ठीक, नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल पीएससी में पूछ सकता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि नई सरकार आई, नई सरकार ने किसानों को ऋण माफ कर दिया है, तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न बन सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसके अंतर्गत अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, अल्पकालीन ऋण यानी जो आपके किसान क्रेडिट कार्ड धारक होंगे उन्हें ही आपका ऋण प्रदान किया जाता है इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत। कैसा ऋण दिया जाता है, अल्पकालीन ऋण। देखिए छत्तीसगढ़ में ये जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना, देखिए ये प्रारंभ कब हुआ ये नहीं है, एक्चुअली में ये समझिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 0% पर आपका अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है छत्तीसगढ़ में वर्ष 2014-15 से। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2014-15 से आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आपका इस 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में किस वित्तीय वर्ष से किसानों को 0% ब्याज पर आपका ऋण दिया जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2014-15 आपके लिए एक प्रश्न है। ये प्रश्न ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए कब प्रारंभ किया गया ये डेट आपको बताना है, जो 2014-15 है इस डेट से आपका 0% पे, पहले क्या होता था 1%, 2%, 3% ब्याज पर आपका ऋण दिया जाता था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2014-15 से छत्तीसगढ़ में आपका 0% ब्याज पर किसानों को अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, प्रदेश में आपका पिछले वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की स्थिति में प्रदेश में 14.49 लाख आपके किसान क्रेडिट कार्ड धारी है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड धारियों की संख्या प्रदेश में कितनी है, 14.49 लाख, यानी 14.5 लाख के आसपास प्रदेश में आपका किसान क्रेडिट कार्ड के कार्डधारी मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सहकारिता। देखिए सहकारिता, ये जो सहकारिता है ये एक बैंक है, सहकारी बैंक आप सभी सुने होंगे। बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक, दूसरा होता है सहकारी बैंक। कमर्शियल बैंक जो कि आपके ब्याज पर जिंदा रहने वाली एक संस्था है, मतलब जो हम जो बैंक में जो आपका पैसा जमा करते हैं वो कहलाता है कमर्शियल बैंक। जो हम पैसा जमा करते हैं उसके बदले वो हमें ब्याज देता है और हमारे ही पैसे को दूसरे बाजार में लोगों को ऋण देता है, जैसे घर के लिए या होम लोन दे रहा है, तो होम लोन की दशा में वो सामने वाले से कितना ब्याज लेगा, 8% ब्याज, और हमारे पैसे को दे रहा है और हमको कितना रिटर्न कर रहा है, 4%। तो होम लोन के बदले बैंक ले रहा है 8%, हमको दे रहा है 4%, तो बीच का जो 4% है वो 4% के ऊपर जिंदा रह रही है जो कमर्शियल बैंक। ठीक, तो लोन से के ऊपर जो ऋण वसूलती है और कुछ छोटा अमाउंट जो हमें लोन के रूप में देती है, तो बीच का जो लोन है उसी लोन पर बीच का जो ऋण है सॉरी बीच का जो आपका ब्याज है जो इंटरेस्ट रेट है 8% होम लोन वाले से वसूल रही है,
हमारे जो पैसा जमा है उसका दे रही है 4%, तो बीच का जो बचा 8-4 उस 4% है वो होती है बैंक की कमाई, वो कहलाती है आपकी कमर्शियल बैंक। सहकारी बैंक, सहकारी बैंक इस उद्देश्य से काम करती है कि लोगों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा सके और जमा राशि पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका ब्याज दे सके। ठीक, सहकारी बैंक और कमर्शियल बैंक में बस इतना ही फर्क होता है। प्रदेश में जो सहकारी बैंक है वो 3 स्तर पर कार्य करता है, एक है आपका राज्य पर, जिला पर और उसकी अन्य शाखाएं। छत्तीसगढ़ में जो सहकारी बैंकों का संचालन करती है आपकी सहकारी समिति, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहकारी बैंकों का संचालन किया जाता है। ठीक, देखिए प्रदेश में जो राज्य स्तर पर केवल एक ही सहकारी बैंक है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। उसकी संख्या कितनी है? एक। छत्तीसगढ़ में एक ही राज्य स्तर पर आपका बैंक है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। जिला स्तर पर हमारे प्रदेश में 6 सहकारी बैंक है जिन्हें जाना जाता है केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के नाम से। जिला स्तर पर सहकारी बैंकों को जाना जाता है केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के नाम से, जिनकी संख्या है 6। हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो आंकड़े हैं ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, जितने भी चीज़ों को मैंने रेड कलर से लिख के रखा है ना वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, उन्हें स्पेशली याद कीजिएगा। उसके बाद ये जो आपके जिला की शाखाएं फैली हुई है जगह जगह पर जिन्हें जाना जाता है प्राथमिक सहकारी बैंक के नाम से, तो प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या है प्रदेश में आपका 265। राज्य स्तर पर एक है जिसे जाना जाता है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। जिला स्तर पर 6 है जिन्हें जाना जाता है केंद्रीय जिला सहकारी बैंक, उसकी शाखाएं जिला सहकारी बैंक की शाखाएं जो जगह जगह फैली हुई है जिसे जाना जाता है प्राथमिक सहकारी बैंक के नाम से, जिनकी संख्या है 265। ठीक, इस आंकड़े को अपडेट कीजिएगा, जो हमारे जो PDF का जो नोट्स अवेलेबल मैंने कराया है उसके पेज नंबर 17 में आपका ये मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया है वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की स्थिति में ये जो ब्याज है वो 8.1% है। इसे अपडेट कीजिएगा मार्च 2019। देखिए अब इसमें क्या है, तिमाही आधार पर अब इसमें ब्याज दिया जाएगा, तिमाही आधार पर इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत ब्याज दिया जाएगा। तो मार्च 2019 तक की स्थिति में इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपका 8.2% का ब्याज दिया जा रहा है। आगे कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।